नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे कुछ मजेदार क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कुछ मजेदार पहेलियां पूछेंगे जिनका आपको सही सही उत्तर हमें कमेंट करके बताना है। आंसर देखने से पहले कमेंट में अपना जवाब लिखें, तो जानते हैं आप कितने लॉजिकल हैं, कितने समझदार हैं। ऐसी कौन सी चीज है जहां पर 100 लोग जाएंगे और 101 वापस आएंगे? हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। आपका समय होता है शुरू। दोस्तों, वो जगह है शादी, जहां पर 100 लोग जाते हैं और 101 लोग वापस आते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कुल कितने तीतर? आपका आंसर हमें फटाफट 10 सेकंड में दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका आंसर है 3 तीतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो चलते चलते कभी नहीं थकती? योर टाइम स्टार्ट नाउ। धड़कन। जी हाँ दोस्तों, आपकी धड़कन कभी भी चलते चलते नहीं थकती और वह लगातार चलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौवा आसमान में उड़ता है मगर कहाँ रहता है? आपका आंसर फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों, इसका आंसर है मगर पानी में रहता है, मगर यानी मगरमच्छ। जी हाँ, कौवा आसमान में उड़ता है यानी कि मगरमच्छ पानी में रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसे आदमी का नाम बताएं जिसकी कोई उम्र नहीं होती। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है उमर गुल। जी हाँ, उमर गुल की उम्र गुल है, लेकिन फिर भी उमर गुल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता ने अपनी बेटी को एक गिफ्ट दिया और बोला कि अगर भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, और अगर सर्दी लगे तो जला लेना। वो गिफ्ट क्या था? योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका समय शुरू होता है। दोस्तों, इसका उत्तर है नारियल। जी हाँ, इसकी जटा को जलाया जा सकता है, इसके पानी को पिया जा सकता है और इसकी क्रीम को खाया जा सकता है। दोस्तों, आशा है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप कोई भी पहेली हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें इस ईमेल पर अपनी पहेली भेजें ताकि हम अपने अगले वीडियोज में उनको ले सकें। नमस्कार, बाय बाय।